हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास भी है वीवो का मोबाइल और आपके मोबाइल में जो है प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसे कैसे आप सही कर सकते हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या प्रोसेस करना होगा अगर आपके मोबाइल में जो है गूगल प्ले स्टोर वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके अपने मोबाइल का देख सकते हैं, आपको अपने मोबाइल का यहाँ पर सेटिंग को ओपन करना होगा। अब ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर नीचे स्वाइप अप करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन देखने को आएगा। तो आपको इस ऐप्स वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्टली आपको जब क्लिक करोगे, इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर आप सर्च वाले ऑप्शन में जाकर गूगल प्ले स्टोर को सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको सक्सेस में जो है आपका गूगल प्ले स्टोर अप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को आ जाएगा। तो आपको जहाँ पर भी गूगल प्ले स्टोर अप्लीकेशन आपको देखने को मिले आपको डायरेक्टली ओपन कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर अप्लीकेशन यहाँ पर देखने को आ रहा है। तो आपको भी गूगल प्ले स्टोर ऐप आले ऑप्शन पे आपको जब क्लिक करोगे, तो इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन आप में देखने को आ रहा है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको क्लियर स्टोरेज वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको डिलीट ऐप डाटा का ऑप्शन आप में देखने को आएगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसे क्लिक करके क्लियर डाटा करोगे, इससे क्या होता है कि आपका जो प्ले स्टोर होता है रिफ्रेश हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने प्ले स्टोर में ही रहना होगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन आप में देखने को आएगा। तो आपके इस परमिशन वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे, और जो भी परमिशन यहाँ पर अलाउ नहीं, जैसे आप देख सकते हैं नॉट अलाउ का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, जैसे जो भी परमिशन अलाउ नहीं है। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि हमारा जो प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर वीवो के मोबाइल में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से ओपन करोगे, जैसे आप देख सकते हैं अब आपको ओपन करोगे, इसके बाद आपका जो है गूगल प्ले स्टोर रिफ्रेश हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। आपको वेट कर लेना तब। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा गूगल प्ले स्टोर अप्लीकेशन रिफ्रेश होकर ओपन हो गया और हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर आपका तब भी नहीं वर्क कर रहा है, तो आपको चेक कर लेना होगा कि हमारा जो मोबाइल का डाटा है कि नहीं। अगर आप पूरे डाटा यूज कर लेते हो तब भी ये काम नहीं करता, या आपके मोबाइल में जो है डाटा मतलब समाप्त हो गया, इसके कारण ये आपको देखने को आ जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस करना होगा जो हमने बताया, अगर डाटा भी है तब भी ये वर्क कर रहा है, तो आपको ये जो हमने सेटिंग बताई ये आपको करोगे, तो आपका जो वीवो के मोबाइल में प्ले स्टोर जो वर्क नहीं कर रहा तो वर्क करने लगेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।